गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करंस ने लोग। तो भाई कैसे आप सब, और आज है भाई सैटरडे। आज हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि रात को सोते सोते ना हमें मतलब डेढ़ तो बज ही गया था, मतलब अराउंड इसके अराउंड, जहाँ तक कि मुझे याद है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह थोड़ा आराम से उठ जाएंगे। आज मैं उठाऊँ 8:30 बजे और फिर मैं गया अकेडमी में सफाई कराने। और ये बुनू जो है ना, अब बैठा है यहाँ पे, गर्मी बहुत है और मैंने आज सोचा कि मैं आज इसको ना दही खिला देता हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं तो हमने खिलाई नहीं, और ये देखो कैसे खाता है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितने ड्रामे करता है, और आज इसके ड्रामे देख लो। और ये बुनू ने अपना फ़ोन जो है ये लगा लिया है भाई अपने गिम्बल पे, रील बनाएगा ये अपनी। आज अपने इंस्टा पे डालेगा ना तू, तेरा भी इंस्टा है, इसका भी इंस्टा है भाई। मैं नीचे लिंक डाल दूंगा भाई डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना हमारे लड़के को, हमारे लड़के को फॉलो कर लेना। और इसकी कटिंग भी करवानी है, अभी कराएंगे इसकी कटिंग भी। आयुष के ऊपर बाल आ गए ना मेरे बेटे के, अभी कराएंगे अपने बेटे की कटिंग भी, है ना। और ये देखो भाई 10 की दही, ये यही खाता है, और आज कैसे खाता है ना वो भी देख लेना। चलो भाई बुनू खाएगा अब दही। ये पकड़ा, ओए इधर आ तू, इधर आ, बैठ जा, बैठ जा, बैठ। अब बुनू खाएगा दही। ये मजा आया बुनू को, बुनू इस घर का मालिक है, और बुनू सबसे छोटा बच्चा इस घर का, सबसे छोटा और सबसे खोटा, यही है हमारे घर का सबसे छोटा खोटा बेटा। गुड बॉय, गुड बॉय। ये मेरा गुल्लू जो है ये अब शोई कर रहा है, खाना खा लिया इसने। ओए गुस्से में तो नहीं है, नहीं पागल है क्या। और ये हम खा रहे हैं खाना आम, और ये रही पनीर की सब्जी। और ये हमारी गुल्लू ने तो भाई साहब आम चट कर ही दिया है, पहले खा करके आम ही होती जा रही है। आज खा रही हूँ मैं बस। बुनू देख ले, देख ले तू, देख ले बुनू की चल रही है मस्ती। ये देखो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा तू, ये क्या कर रहा तू, ये उसकी मस्ती शुरू हो गई है। देख आंखें, देख आंखें, देखो उसकी, ये कैसे आंखें घुमा रहा है तू गोल गोल, फ्रेंड्स फ्रेंड्स के नाम पे। और ये मेरा छोटा गुल्लू शो रहा है, देखो इसने कैसा घर बनाया अपना, ये 2 पिलोज के बीच में घुस के तब सोता है। जान है हमारी जान, शोई शोई कर ला मेरा बेटा, शोई भाई पापा चोई कर ला। बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत अच्छा बच्चा। और ये मेरा बेटा जो है ना एसी का रिमोट छुपा के सो ये सो गया खुद, और इसके नीचे ही रिमोट होगा देखियो। अब इसको उठा भी नहीं सकते हम, अगर उठाएंगे ना थोड़ा सा भी, अगर छेड़खानी करी तो उठ के भाग जाएगा, है ना बुनू। बुनू भाई साहब बुनू जंट बालक है, कम कर दो इसे, ठंड लग रही है भाई, कम नहीं हो सकता मेरे बुनू 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 को उठा ले, मत ही मत उठा इसको, दे 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 इसे, कम कर रही हूं ठंड लग रही है। मन में लबुन हुए थे चोते सोखता मेरे पास ही आके। ये हमारे महाराज जी है, थोड़े उठ के इधर सो गए, रिमोट देगा भी अब मिलेगा, उठा इसको, देखिए छुपा के सो रहा था ये रहा एसी का रिमोट मेरे बेटे का एसी है भाई, कोई कम नहीं कर सकता इसको, मम्मा भी हाथ ही लगा सकते रिमोट को। और भाई मैं अभी जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी में। ये देखो मैंने अपनी जैकेट पहन ली है, मैं मेट्रो स्टेशन तक जाऊँगा, मैं शायद पीतमपुरा तक जाऊंगा और फिर वहां से उनके साथ। तो मैंने सोचा कि यार टाइम बहुत बच जाएगा, मैं अपना बाइक पे चलता हूँ, मौसम भी ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। और बुनू को मैं घुमा के ले आया पहले कि बारिश ना आ जाए। गाड़ी से जाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, उसमें कम से कम नहीं ना 1.5 घंटा लगता, और मैं वैसे ही लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ काम भी कर रहा था, और एक बार बीच में कहीं चला भी गया था। सो अभी बस मैं निकल रहा हूँ और आपको भी लेके चलता हूँ। चलो जी मैं निकल गया हूँ घर से,
और भाई ये अपनी KTM, चलते हैं फटाफट से। ट्रैफिक देखो सामने ही दिख रहा कितना है। बाइक से मुझे कम से कम 30 या 35 मिनट लगेंगे, और गाड़ी से अगर मैं जाता ना तो मेरे हिसाब से ना 1 से 1.25 घंटा लग जाता, क्योंकि भाई गाड़ी तो कहीं से भी नहीं निकल सकती ना साइड से, तो बाइक को तो कहीं से भी निकाल लो। ये है भाई बाइक का कमाल, साइड से हर जगह साइड से निकल जाओ, गाड़ियाँ देखो ऐसी खड़ी रहती हैं यहाँ पे, ये टाइम बचता है। चलो भाई साहब जल्दी 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 फटाफट से अब हम जाएंगे इस साइड। ये देखो भाई कितना ट्रैफिक है यहीं तक, मतलब वहाँ से हयात से और यहाँ तक आने में ना साउथ कैंपस तक इसी में हालत ख़राब हो जाती गाड़ी में, बहुत ट्रैफिक होता है भाई। गाड़ी तो बस खड़ी रहती है, चलती नहीं है शाम को तो खासकर, और बाइक से तो फिर भी मैं अच्छा खासा ट्रैफिक क्रॉस कर गया, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगे। एक ये जाम भाई पंजाबी बाग का, ये भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला, बहुत जाम मिलता है, बहुत ज़्यादा जाम। गर्मी में तो ना हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पे। गाड़ी में तो भाई उसमें भी ये है कि एसी चलता रहता, बैठे रहो बहुत देर लग जाती है, लेकिन ये क्रॉस करने में आगे तक भीड़ है इसमें बहुत ज़्यादा। ये पहुँचा मैं यूनिटी 1 मॉल, यहाँ करेंगे अपनी बाइक की पार्किंग। चलो भाई प्रेस हियर, ला भाई स्लिप कार्ड। कितनी बार दबाऊं इसको, आ ही नहीं रही भैया। खराब हो रहा है क्या बटन? चालू है। फिर भी नहीं आ रही यार। और भाई मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन बाकी सब जो है ना बहुत लेट है, वो अराउंड 1.5 घंटा लेट है अभी। मैं 6:02 पर पहुंच गया था, अभी अराउंड 7 बजने वाले हैं, बट आए नहीं है। बट कोई नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। इतने मैंने सारी चीज़ें देख ली भाई, कहाँ डिस्काउंट चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा। वुडलैंड के शोरूम में घूम लिया, UCB देख लिया, लिवाइस देख लिया, सब देख लिया, बट मुझे कुछ चाहिए नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ देख के आ गया। तो भाई हम पहुँच गए हैं एम्बियंस मॉल गुड़गांव में, और अभी घूमेंगे यहाँ पे, फिर कुछ आएंगे, फिर वापस से घर की तरफ चलेंगे। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 का, मतलब ज़्यादा देर नहीं लगी रोहिणी से यहाँ आने में, अराउंड 45 मिनट्स लग गए, क्योंकि सैटरडे है तो भीड़ कम थी और माहौल है यहाँ का। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है भाई, भीड़ ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, अच्छा लग रहा है। और ये देखो यहाँ पे चल रही है सेंट की टेस्टिंग इनकी, और लेना इसको कुछ नहीं है, कर लिया फाइनल, कर लिया फाइनल। कौन से ब्रांड का ये? अजमल की। तो आगे डाटा चेंज तो तेरी फर्स्ट कॉपी वो जगह है, वो कॉपी कुछ जगह के फर्स्ट कॉपी एक कॉपी। तो आगे डाटा ले क्यों क्यों आ रहा तू? और ये भाई प्यूमा का नया कलेक्शन नाइट्रो, गौरव नहीं हो पसंद आ रहा है, बोल रहा है ये प्यूमा का नया कलेक्शन नहीं है भाई, ये पुराना है, ये पुराना है, ये देखो 40% ऑफ बाहर इन्होंने बैनर भी लगा रखा है। अरे तो ये तो फ्रेश है। हां फ्रेश, ये तो फ्रेश है शायद, नहीं है ये नाइट्रो फ्रेशमैन है, मैंने 2 साल पहले भी यही देखा था, अब भी यही है, वो सामने जितने शूज रखे वो 4 साल थे, सेम टू सेम सेम टू सेम।
डिजाइन ठीक ठीक है इनके। ये भाई गौरव है, ये गौरव लाया यहाँ पे। और हमारे एक वकील भाई है, वो आज आए नहीं, लाठी लेके घुमा दी सबके सर पे घुमा दी। और एक लाइब्रेरियन, एक हमारे सचिन भाई है, उसका नाम लिखने में सांडू सांडू तेरा नाम है नहीं, उसका नाम सांडू है। वो सुबह उठते ही चार आलू के पराठे खाता है दही के साथ और फिर सो जाता है फोन को साइलेंट करके। शाम को उठता है फिर 6 बजे, ठीक है, फिर जाता है दौड़ मारने के लिए, फिर आके फिर पराठे खाता है, फिर सो जाता है। और ये जो वीडियो बना रहा है ना ये भाई, ये आ गया छोटा पजामा, इसका छोटा छोटा पजामा। अरे पूरी तो सुन ले, सुना दे। और ये जो भाई वीडियो बना रहा ना, ये खाना पता क्या खाता है? मैगी। नहीं 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 नहीं, मैगी के साथ डाइट कोक 2 बार दिन में, ठीक है, और पानी की जगह सोडा। ये भी पीछे दे ये। और ये ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कुछ है ही नहीं। कोमाड़ा देवा ये ले ले। ये विकास को पसंद नहीं आया कुछ भी पीऊं मैं। अब हम चले एडिडास में, चल। ये हम पहुंचे चिलीज और ये आ गया अपना खाना। गौरव पिज्जा भाई, यो मेरा, ये जो सांडू का चिकन, और ये अपना पिज्जा नए स्टाइल का, ये खींच दिया इसने। चलो भाई चलते हैं घर। और मैंने अपनी बाइक निकाल ली अब पार्किंग से, तो मुझे अभी लगेंगे 10 से 15 मिनट सिर्फ घर पहुंचने में। रात को एक तो वैसे ही रोड खाली होती है और बाइक पे तो जल्दी ही पहुंच जाता हूँ। ओए नई रोड है भाई, ओ मजा आ गया भाई आज की पार्टी में। बेसिकली क्या होता है, देखो पार्टी तो सिर्फ नाम की चीज होती है कि हाँ भाई एक पार्टी है, 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड्स का बर्थडे है। सिर्फ साल में जो है 5 दिन मिलते हैं, जिस दिन हम मिल सकते हैं अच्छे से, थोड़ा भाई घूम फिर आए, अपना खा पी के आ गए। बाकी दोस्ती ऐसी चीज़ है भाई, वो अगर अच्छी हो ना तो लाइफ में बहुत जगह है, वो मैटर करती है। और आप उन दोस्तों से ना हर चीज़ शेयर कर सकते हो, मतलब एक कंफर्ट लेवल होता है आपका, साथ में एक माइंड रिफ्रेश हो जाता है। मतलब मैं और स्नेहा डेली हम एक ही काम करते हैं, अपना सुबह उठते हैं अपने काम में लग जाते हैं, उठते हैं काम में लग जाते हैं, मतलब माइंड ऐसा हो गया है कि बस यार हाँ ठीक है हम चलते ही जा रहे हैं बस। मतलब ऐसा नहीं लगता कि हमें यार कुछ अलग किया है, बस एक ये है कि चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, रोज वही काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी सॉर्ट आउट करनी है, बहुत सारी एक्सपेंसेस जो हैं वो डेली के ही होते हैं, कोई ऐसा है नहीं कि भाई वो नहीं होंगे। सारी चीज़ें जो हैं बहुत मैनेज करके चलनी पड़ेंगी, उसी के चक्कर में बिजी रहता है शेड्यूल। और जो माइंड है ना वो ऐसा हो जाता है कभी कभी इस रात तक कि भाई बस ये लगता है कि ये बॉडी चल रही है बट अभी ना कोई सोचने का और मतलब कुछ रिफ्रेश होने के लिए ना कोई चीज़ मिल ही नहीं रही है। ऐसा बहुत बार होता है, मतलब बहुत ज़्यादा। और जब ऐसा ना फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो वो चीज़ बड़ी एक हल्की सी लगती है यार, हाँ मतलब इतने टाइम बाद, मतलब इतनी जो खुशी होती है, इतना हंसना होता है, मौज मस्ती होती है एक दूसरे का, उससे भाई साहब जो माइंड है ना इतना फ्रेश हो जाता है और मज़ा आ जाता है भाई अभी। लेकिन थोड़ा शेड्यूल ऐसा होता है, कभी मेरा बिजी है, कभी इनका बिजी है, कभी उसमें बहुत कम अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलती है कि हाँ हम मिल सकते हैं, बट कोशिश क्या करेंगे कि आपसे जल्दी जल्दी मिले भाई, क्योंकि मज़ा आता है इस चीज़ से। और फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं भाई, किसी के 2 फ्रेंड है, किसी का एक है, किसी का एक भी नहीं है, बट हाँ जिसके अच्छे फ्रेंड्स हैं ना भाई उसको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और मेरे तो भाई साहब 5-6 बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती किसी भी चीज़ की। कभी भी मेरे को कुछ ज़रूरत पड़ती है, मेरा सबसे पहले ऑप्शन होता है, मैंने कहा यार चलो उसको फ़ोन करो, क्योंकि मुझे पता है वो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करने वाले। और मैं इसके लिए अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि मतलब गजब। एक वो होता है कि पहले मैं किसी एक दूसरे
स्कूल में था, फिर वहाँ से दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुआ और मुझे नहीं पता था कि इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएंगे कि जो भाई कुछ बहुत ही अलग आपकी लाइफ में मैटर करेंगे। तो भाई मेरे को तो अपने फ्रेंड्स से बहुत प्यार है। अभी पहुँचने वाले हैं बस घर और ये देखो टाइम हो गया है 12:30। माँ तो सो गई होगी पर कोई नहीं, माँ को उठा लेंगे। और मेरे फ़ोन में जो बैटरी है ना वो सिर्फ 3% बची हुई है। मैं फटाफट से भागा मैंने कहा भैया जल्दी जल्दी वरना मैं फ़ोन भी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि माँ उठेगी नहीं फ़ोन के बिना, तो मैं कैसे करूँगा ना मैं मतलब बेल बजा सकता हूँ ना कुछ, तो बड़ी मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई नहीं अभी 3% है, मैंने पावर सेविंग मोड पर रखा है, आई थिंक बंद तो नहीं होगा। बाकी हो गया तो देखेंगे क्या करें, तब की तब देखेंगे, अभी क्यों ही टेंशन लेनी। और भाई मैं पहुंच गया हूँ घर पे, बहुत अच्छा रहा आज का दिन, आज की पार्टी में मज़ा आ गया। और भाई इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट दिन पे नई शुरुआत के साथ, तो करेंगे नई चीज़ें शेयर। सो भाई तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड गुड नाइट।